AIMIM के सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में विजयनगर कॉरपोरेटेड डिवीजन के तहत फेरोज गांधी नगर में AIMIM के जायदादों की नुमाइंदगी पर आज AIMIM नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने इन जायदादों के मालिकीन को जायदाद की रजिस्ट्रेशन के कागजात हवाले किए। इस मौके पर मिस्टर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर AIMIM के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर भी देखे जा सकते हैं। फिरोज गांधी नगर विजयनगर कॉलोनी में यहाँ पे एक बहुत कदीम बस्ती है जिसको एक अरसे दराज से हाउसिंग बोर्ड की लैंड बोर्ड के गवर्नर इसके ऊपर क्लेम कर रही थी। ये पिछले 40 साल से फिरोज गांधी नगर वाले परेशान थे, कई मरतबा इस ताल्लुक से हुकूमतों से अप्रोच हुए मगर ये काम इनका नहीं हुआ था। मैं जैसे 2014 में यहाँ पर अलहमदिल्ला वैसे थे MLA बनकर आया, वो टाइम के ऊपर मुझे और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक दरख्वास्त दिए थे फिरोज गांधी नगर वाले कि भाई हमारा मसला काफ़ी दिन से पेंडिंग है, हम काफ़ी कोशिश करें अगर ये मसले को आप रेगुलराइज करा देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मैं को हम लोग ख़ास तौर से जाके CM KCR साहब से नुमाइंदगी करे। नुमाइंदगी करने के बाद उनसे ये कहा गया कि भाई ये ज़मीन ये लोग की है, इन लोग सही हकदार है, इसी वजह से हाउसिंग बोर्ड क्लेम कर रही है मगर गरीब लोगों का घर बस गया है और कोई ऐसे मालदार लोग नहीं हैं। इनके बाप दादा मेहनत करके ये ज़मीन को ख़रीदे थे जिसको आज हुकूमत ये कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रिजनेबल लगा कर ये ज़मीन को रेगुलराइज कर दे ताकि हमारे लोग भी पैसे भर सके। अगर आप अगर रेगुलराइज के लिए कुछ लंबी चौड़ी फीस लगा देंगे तो पैसे भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गरीब लोग हैं। उसके ऊपर KCR साहब ने ख़ास तौर से बुलाकर जबकि जो हाउसिंग सेक्रेटरी थे उनको कहा कि भाई फाइल पुटअप करो, मैं इसका GO निकाल कर इसको रेगुलराइज करने के लिए। तो अल्लाह का करम रहा कि GO निकला 1/2016, उसमें 1250 रुपये से रेगुलराइज करने का हुकूमत ने ऐलान किया और उसमें यहाँ पर हमारे पास मस्जिद फिरदौस थी तो वही GO के अंदर ये लिखा जो मस्जिद फिरदौस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर करके दे देंगे। तो अल्लाह का करम है, मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन हो गया और 100 से ज़्यादा यहाँ पर घर के जो 1250 से फीस भरे उनके भी रजिस्टर्ड होकर